वेलकम टू ब्रिंक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नैंड गेट के बारे में और आज हम बात करते हैं नॉर गेट की। आप लोग जानते हैं कि नॉर गेट जो होता है वो और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे और गेट में जीरो कब आता है जब दोनों इनपुट्स जीरो होते हैं, और इसमें वन कब आता है जब दोनों इनपुट जीरो होते हैं। अदरवाइज जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। चलिए हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि एनी बुलियन फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंट ओनली नॉर गेट। कोई भी बुलियन फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। वी विल सो डैट द नॉट और एंड गेट एंड ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग ओनली नॉर गेट। यानी कि जो आपके बेसिक गेट्स होते हैं उन्हें हम इम्प्लीमेंट करके इसे प्रूव करेंगे कि नॉर गेट एज ए वर्क करता है यूनिवर्सल गेट की तरह। तो फर्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटिंग ए नॉट गेट यूजिंग ओनली नॉर गेट। नॉट गेट बिनो डैट जो होता है वो आपका एज ए इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। यानी कि अगर जीरो आप इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको वन मिलेगा, अगर आप वन इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको जीरो मिलेगा। अब नॉर गेट का आपको पता है कि उसके टू और मोर इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट होता है। तो हमने इसके दोनों इनपुट को कनेक्ट कर दिया और उसे जो ट्रीट करेंगे एज ए सिंगल इनपुट। जब सिंगल इनपुट करेंगे तो ए डॉट ए यानी कि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, और ए प्लस ए बुलियन अलजेब्रा से हमें पता है क्या होता है, ए होता है। ठीक है, सेकंड जो है इसे हम नॉट गेट की तरह यूज करने के लिए हमने एक नॉर गेट लिया, और अब इसमें हम सिंगल इनपुट ना लेके हम इसमें दो इनपुट ले रहे हैं। एक में तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और सेकेंड में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जीरो। ठीक है, अब ए डॉट जो जीरो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ए प्लस जीरो ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अगर हम नॉट गेट के सिंबल की बात करते हैं तो सिंपली क्या होता है आपका, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट। यानी कि अगर ए देंगे तो आपको ए डैश मिलेगा, और जीरो देंगे तो वन मिलेगा, वन देंगे तो जीरो मिलेगा। चलिए हम अगर हम बात करते हैं कि इसे ट्रुथ टेबल की हेल्प से अगर समझें तो इसमें हमें इनपुट लेने होंगे और आउटपुट लेना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो इनपुट लिए हैं वो क्या लिए हैं, दोनों इनपुट को कनेक्ट किया है यानी कि सिंगल सेम इनपुट जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों में जीरो जीरो जाएगा तो जीरो प्लस जीरो जीरो होगा। ठीक है, और जब जीरो प्लस जीरो जीरो होगा तो जीरो का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, वन होगा। सेकेंड अगर आप बन देंगे तो दोनों इनपुट से क्या जाएगा आपको, बन जाएगा, और जब बन जाएगा तो वन प्लस वन क्या होगा, वन, और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो नॉट गेट में हमारा देखो बिल्कुल नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि नॉट गेट में क्या होता है एज ए इन्वर्टर काम करता है। अगर आप इसे जीरो देंगे तो बन देगा, और अगर आप बन देंगे तो जीरो मिलेगा। अभी हमने इनपुट ले लिया ए, और आउटपुट जो मिलेगा वाई इजकल टू ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए, तो सबसे पहले हम इनपुट अगर जीरो देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, वन, अगर बंद देंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि नॉर गेट जो है वो हमारा एज नॉट गेट हम यूज कर सकते हैं। चलिए सेकेंड देखते हैं हम, इम्प्लीमेंटिंग और गेट यूजिंग ओनली
नॉर गेट, ठीक है। हम बात करते हैं कि नॉर गेट कैसी एज ए ऑर गेट की तरह यूज करता है। तो ऑर गेट आपको पता है कि टू इनपुट्स एंड टू और मोर इनपुट्स और सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसमें हमने दो इनपुट ले लिए ए और बी। जब ए और बी लिया है, ठीक है, तो यहाँ से हमें आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। इससे हमने एक और नॉर गेट जो एज ए इन्वर्टर इससे पहले हमने देखा था, यानी कि जो नॉर गेट को हमारा किसकी तरह वर्क कर रहा था, नॉट गेट की तरह। जब नॉट गेट की तरह तो इसका क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट, जो भी इनपुट देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो जब ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो जब ए देगा तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट। और ए हम लोग बुलियन अलजेब्रा से जानते हैं कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। तो ए प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए प्लस बी। अब अगर हम बात करते हैं ऑर गेट की, तो ऑर गेट में हमने दो इनपुट्स ले लिए ए और बी, तो इसमें क्या मिलता था आपको, ए प्लस बी, ठीक है। अगर ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो आपको क्या मिलेगा ऑर गेट में, जब दोनों इनपुट्स जीरो होंगे तब तो आपको जीरो मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमने इनपुट्स ले लिए ए बी, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जो हमारा गेट है वो क्या है, नॉट गेट, यानी कि जो नॉर गेट है वो एच नॉट गेट है। तो ए प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए प्लस बी। चलिए दो आपके इनपुट है तो जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन। अब जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन। जीरो प्लस वन क्या होगा, वन, वन का कॉम्प्लीमेंट होगा जीरो। वन प्लस जीरो क्या होगा, वन, वन का कॉम्प्लीमेंट होगा जीरो। वन प्लस वन क्या होगा, वन, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। इससे आगे जो आपका नॉर गेट है किसकी तरह वर्क कर रहा है, नॉट गेट की तरह, ठीक है। जब ये नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए, यानी ए प्लस बी का जो होल, जो डबल कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ से मिल गया आपको वन का जीरो, जीरो का वन, फिर जीरो, तो वन अगेन जीरो और वन। तो ए क्या है आपका, यही है आपका और गेट, ठीक है। थर्ड है आपका इम्प्लीमेंटिंग एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। तो एंड गेट पता है आपको क्या मिलता था, ए डॉट बी। तो फर्स्ट नॉर गेट को आपने दोनों इनपुट सिंगल बना दिए, यानी कि यहाँ से मिलेगा आपको ए डैश। सेकेंड लिया, उसमें आपने सेकेंड इनपुट लिया, उससे आपने बी प्रोवाइड करवाया। तो जब बी जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, क्योंकि ये एज ए नॉर गेट की तरह वर्क कर रहा है तो आपको मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट। एक थर्ड हमने नॉर गेट लिया और इन दोनों की जो आउटपुट है वो उसके क्या होंगे, इनपुट होंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब डिमॉर्गन्स थ्योरम से आपको पता है, जो डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या होगा, ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट, और ये आ गया ए डॉट बी। और ये क्या है, आपकी जो एक्सप्रेशन होता है वो एंड गेट का होता है, ठीक है। चलिए हम इसे ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट लेंगे हम ए, ये आपका एंड गेट का सिंबल है ए और बी, तो बाई इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, ए डॉट बी। चलिए ए ले लिया हमने,
सेकेंड इनपुट क्या है आपका? बी। तो फर्स्ट नॉर गेट से आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया। सेकेंड से आपको बी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया। और लास्ट से आपको क्या मिल रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए डॉट बी। तो यहाँ से मिल गया आपको डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इनपुट ले लीजिए 0011 0101 1, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1100 1010। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1+1 1 1+0 1 0+1 1 0 0 0। और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा आपका? 1 का 0 1 का 0 1 का 0 और 0 का 1। और ए क्या होता है आपका? ए ही एंड गेट।